आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्लेन वाई। ठीक है, आपको यहाँ पे चार चीजें दे रखी हैं। फर्स्ट वन इज हॉर्स कैन नॉट पुल ए कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या रीजन है। जो हमारा, मान लो ये हमारा कोई अगर ऐसे हॉर्स था, ठीक है, ये हमारा अगर हॉर्स था, जब ये खींचता कैसे इस गाड़ी को, मान लो इसके पीछे कोई गाड़ी लगी हुई थी, खींचता कैसे है इन दोनों के बीच। देखिए, अगर मान लो इसके दोनों के बीच एक टेंशन फोर्स लग रहा था, तो वो तो एक्शन और रिएक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये खींचता कैसे है, इसके जो लेग्स हैं, ठीक है, ये क्या, इनसे क्या आता है, एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लेता है। ठीक है, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स लेता है, और उसकी वजह से क्या, जैसे फ्रिक्शन फोर्स लेता है तो उसकी वजह से क्या कर सकता है, आगे खींच सकता है गाड़ी को। लेकिन जब वो बोल रहा है, जब एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है यानी कि अपने यहाँ पे पैरों से इसको क्या नहीं मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगा कहीं से। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगा तो ये हमारा क्या नहीं खींच सकेगा, गाड़ी को नहीं खींच सकेगा। यानी कि इसका मेन रीजन क्या हुआ कि इसको जो फ्रिक्शन है वो नहीं मिल पाएगा, तो इसकी वजह से गाड़ी को नहीं खींच पाएगा। ठीक है, अब बात आती है हमारी दूसरे केस की। ए पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड विद दियर सीट्स व्हेन स्पीडिंग बस स्टॉप्स सडनली। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है, मान लो ये कोई हमारी सीट थी, ठीक है, और यहाँ पे कोई हमारा ऐसे पैसेंजर बैठा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारा पैसेंजर बैठा हुआ था, तो आप जब देखोगे, जब ये गाड़ी ऐसे चल रही थी, तो जो इस आदमी का जो ये बॉटम पार्ट था, ये बॉटम पार्ट सीट के साथ हमेशा कॉन्टेक्ट में, ठीक है, कॉन्टेक्ट में, और न्यूटन के अकॉर्डिंग ये अपना इसका जो इनर्शिया होगा, इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया इस वाले पार्ट को, जो इस बॉडी का ये वाला पार्ट जो इस आदमी के साथ कांटेक्ट में है, तो ये ऐसा ही रहना चाहेगा। ठीक है, ये अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करना चाहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं करना चाहेगा। तो जैसे ही एकदम से ब्रेक लगेंगे, तो ये वाला पार्ट तो ऐसे रहेगा, और ये वाला पार्ट मोशन में, जो ऊपर वाला पार्ट था वो मोशन में हो जाएगा, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट अभी भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये कारण है कि इसकी वजह से यहाँ पे पीछे टिकी रहती है। तो जैसे ही अगर ब्रेक लगेंगे, तो इस आदमी को क्या लगता है, आगे धक्का लगता है। ठीक है, थर्ड वन इज इट इज इजियर टू पुल ए लॉन मोवर देन टू पुश इट। ठीक है, इसका क्या रीजन है, देखिए, मतलब इसको ये बोल रहा है खींचना ज्यादा आसान है धक्का देने से। तो इसका इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन ये हुआ कि तो जब हम इसको खींचते हैं, तो उस देखिए, मान लो ये हमारा कोई लॉन मोवर था, मान लो ये हमारा कोई लॉन मोवर था। ठीक है, अब ये बोल रहा है जब हम इसको एकदम से खींचेंगे, ठीक है, खींचेंगे तो हम किसी एंगल पे खींचेंगे, मान लो ये वाला कोई ऐसा फोर्स लग रहा था, ठीक है, ये वाला हमने कोई फोर्स लगा रखा था एंगल पे। ठीक है, यहाँ पे शुरू में एक क्या लग रखा था, एम जी लग रखा था। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या लग रखा था, नॉर्मल। ठीक है, तो जो इसको खींचेंगे, तो इसके क्या हो रहे होंगे, एक तो खींचना, एक धक्का देना, एक बोल रहा है पुश और एक बोल रहा है पुल। तो हम क्वेश्चन में बोला गया है पुल करना ईजी होता है पुश करने की। ठीक है, अब देखिए, जब हम एक, ये तो कौन सी कंडीशन होगी, ये तो हमारी कंडीशन होगी पुल की। ठीक है, और ये वाली कंडीशन होगी हमारी क्या, पुश करने की। ठीक है, यहाँ से अगर कोई फोर्स लग रहा था, तो वो कंडीशन होगी हमारी पुश करने की। अब मान लो ये वाला एंगल अगर थीटा था, तो इस फोर्स का जो एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट किधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ साइन थीटा। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा एफ ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा एन इज गोज टू एफ ऑफ साइन थीटा प्लस एम जी। ठीक है, एफ ऑफ साइन थीटा प्लस एम जी। और दूसरे वाले केस में क्या होगा, जब ये तो कौन सा केस हो गया हमारा, पुश वाला। ठीक है, पुल वाले केस में ये वाला फोर्स ऊपर लगेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको पता चल जाएगा जो जो हमारा एन इज कोस टू क्या हो जाएगा, एन इज कोस टू हो जाएगा एम जी माइनस एफ ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, पुल वाले केस में हो गया। अब देखिए, जो पुल वाला केस है, जो पुल वाले पुश वाले केस में नॉर्मल ज्यादा आ रहा है, पुश वाले केस में क्या आ रहा है, नॉर्मल कम आ रहा है। तो नॉर्मल ज्यादा आ रहा है, तो फ्रिक्शन इज पुश टू क्या होता है, म्यू एन, यानी कि जो पुश है उसमें पुशिंग, पुश करने में क्या फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है, और जो हम पुल करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो इसी वजह से किसी लॉन मूवर को पुल करना ज्यादा ईजी रहता है इंस्टीड ऑफ पुश करने। ठीक है, और फाइनल वन क्या होता है, फाइनल वन होता है क्रिकेटर, क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड, जब वो कोई कैच ले रहा होता है तो अपने हैंड क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है। तो वो किस लिए करता है, उसका मेन रीजन होता है कि जो क्रिकेटर है वो करता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, यहाँ से जो कोई अगर बॉल आ रही थी, ये वाली अगर कोई बॉल थी एम मास की, और ये कोई वी वेलोसिटी से ऐसे आ रही थी, और ये कोई आदमी है उसको कैच करने के लिए रेडी है।
ठीक है, ये वाला कोई अगर मैन है वो इसको कैच करने के लिए रेडी है। तो ये जैसे ही आएगा, जैसे ही इसको पीछे आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम कम हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से हमको एम बी वाई टी कम हो जाएगा। ठीक है, एम बी वाई टी यानी कि हमारा यहाँ से एम बी वाई टी को क्या लिख सकते हैं हम, एम ए। तो यहाँ से हमको जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स है जो इस बॉल की वजह से इस पर अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे उसको चोट नहीं पहुंचेगी। तो इसी वजह से क्रिकेटर अपने है पीछे कर लेते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल का 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।